रोमियो अध्याय 6 और वचन 23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। दूसरे शब्दों में कहें कि पाप का जो प्रोडक्ट है वो मौत है। पाप का जो नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा वो मौत है, वो हमेशा का विनाश है। इसे और आसान करें तो मतलब यह है कि जब आप पाप को कमाते हैं, जब आप पाप की कमाई करते हैं, तो इसकी जो पेमेंट, जो सैलरी आपको मिलेगी, जो इनाम मिलेगा वो मौत ही है। लेकिन जो वरदान परमेश्वर हमें देता है, जो परमेश्वर का वरदान है, वो अनंत जिंदगी है। परमेश्वर का जो गिफ्ट, जो तोहफा है, वो अनंत जिंदगी है। देखिए, जो तोहफा है या ये जो इटर्नल लाइफ का तोहफा है, इसे हम कमा नहीं सकते हैं। वी डोंट अर्न द गिफ्ट ऑफ सालवेशन। सालवेशन एक गिफ्ट है, एक तोहफा, वरदान है, जिसे हमें बस स्वीकार करना है। वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। अब बात करें अगर हम पाप की, तो इस दुनिया को और दुनिया के लोगों को पाप पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ये जिंदगियों को खत्म कर रहा है। कितने घर टूट गए हैं इस पाप की वजह से, कितनी माओं के बेटे उनसे अलग हो गए हैं पाप की वजह से, कितने लोग आज जेल में हैं पाप की वजह से, कितने लोग अस्पतालों में हैं पाप की वजह से, कितने लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं पाप की वजह से, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, कंफ्यूजन और केओस में चली गई हैं इस पाप की वजह से। पाप, SIN, सिन की वजह से। कितने लोग वक्त से पहले ही कब्रिस्तान में चले गए हैं, कितने परिवार और कितनी मिनिस्ट्रीज टूट गई हैं, बिखर गई हैं पाप की वजह से। देखिए, परमेश्वर हमसे ज्यादा चीजों को बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये जो मैं मैसेज दे रहा हूं, ये मैं अपने पूरे दिल से बातें कर रहा हूं आपसे, और वचनों की बातों को आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमसे बेहतर जानते हैं। इसी कारण उन्होंने बार बार इस पाप से हमें सतर्क किया है, बचने के लिए कहा है, क्योंकि ये जो पाप है ये हमारी जिंदगी को बर्बाद करेगा, इसे इसके विनाश का कारण बनेगा। ये पाप को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसे हम कंटेन नहीं कर सकते हैं, इसके साथ हम खेल नहीं सकते हैं, इसके साथ हम एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। वी मस्ट रन फ्रॉम इट। हमें पाप से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पाप से भागते नहीं हैं, यस, अगर आप पाप से दूर नहीं जाते हैं, तो ये जो पाप है ये ग्रो होगा, यस, पाप बढ़ेगा, और पाप की जो मजदूरी है वो मौत है। पाप का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, पाप की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यस, ये बिल्कुल सही है, पाप की हमेशा कीमत चुकानी ही पड़ेगी। पाप यहां आपकी जिंदगी में सोरोज यानी दुख, परेशानी को लेकर आएगा। पाप आपकी जिंदगी में तन्हाई को लेकर आएगा, अकेलेपन को लेकर आएगा, चिंता को लेकर आएगा, निराशा को और शर्मिंदगी को यानी शेम को लेकर आएगा। लेकिन अगर आप पवित्रता के रास्ते को चुनते हैं, अगर आप पाकीजगी के, होलीनेस के रास्ते को चुनते हैं, तो ये आपकी जिंदगी को आनंद देगी और आपको सुकून से भरेगी। आपकी जिंदगी में आपको कोई किसी तरह की निराशा नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा, वरन सिर्फ खुदा का आनंद और खुशी और शांति रहेगी। हम तकरीबन 5-6 साल से मिनिस्ट्री में हैं, इस चैनल को शुरू किया हुआ है, एक अलग अलग जगहों में जाकर भी उसी यीशु के सुसमाचार का हम प्रचार कर रहे हैं। इन सभी सालों के दरमियान जब से हम मिनिस्ट्री में हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, आज तक कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी यंग भाई ने फ़ोन किया हो, किसी जवान ने फ़ोन किया हो और कहा हो कि भाई मैं पोर्नोग्राफी से दूर हूं और इस कारण मैं बहुत परेशान हूं, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं पवित्र जिंदगी जी रहा था, क्योंकि मैं उसके साथ दगा यानी धोखा नहीं कर रहा था, इस कारण मेरी वाइफ ने मुझे छोड़कर चली गई, मुझे धोखा दे दिया। नहीं, मैंने कभी किसी भाई बहन से ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं पवित्रता के रास्ते पर था, मैं होलीनेस के रास्ते पर था, इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, मुझे डर का सामना करना पड़ रहा है।
नहीं, मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं सुना। वरन अब मुझे क्या सुनने को मिलता है ज्यादातर, वो ये है कि मैं अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को धोखा दे रहा था, जिसके कारण मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत पोर्नोग्राफिक गलत गंदी फिल्में देखता था, जिसके कारण मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, जिसके कारण मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मैं हमेशा गिल्ट फील करता हूँ। मुझे बहुत से लोगों से ये सुनना पड़ता है कि मैं पाप के रास्ते पर हूँ, मैं गुनाह के रास्ते पर हूँ, जिसके कारण हमेशा हमेशा मेरी ज़िंदगी में शेम है, शर्मिंदगी है, डर है, चिंता है, निराशा है और ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। अक्सर लोगों के कॉल्स आते हैं, अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं ये सब बातें कहते हुए। रोमियो 6:23 जो वचन हमने पढ़ा, उसमें लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान, जो पाप है उसकी मजदूरी मौत है, निराशा है, चिंता है, डर है, फिक्र है, परेशानी है, शेम है, शर्मिंदगी है, लेकिन परमेश्वर का जो गिफ्ट है हमारे लिए वो है अनंत जिंदगी। यस, वो है अनंत जिंदगी। ये जो गिफ्ट परमेश्वर हमें देते हैं, अनंत जिंदगी का गिफ्ट है, ये हमें बचाता है, ये सब खोए हुओं को, निराश हुए लोगों को, पाप में फंसे लोगों को उम्मीद देता है, उन्हें इससे बाहर निकालता है। ये जो परमेश्वर का वरदान है अनंत जिंदगी का, ये नहीं देखता कि आपका पास्ट क्या था, ये नहीं देखता कि आपने क्या किया था, ये नहीं देखता है कि आपकी जिंदगी कैसी रही है, ये देखता है कि अब आप पश्चाताप कर रहे हैं, ये देखता है कि अब आप उन सब चीजों से, उन सब गंदी आदतों से, गुनाहों से मुड़ने के लिए तैयार हैं, ये देखता है कि अब आप मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि किसी को जेल हो गई हो किसी बहुत बद्दे अपराध की वजह से, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ना पड़े, पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़े, मतलब कि अपनी मौत तक वो जेल में ही रहेंगे, वो कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर वो इंसान मसीह यीशु के ऊपर विश्वास कर लेता है, अपने जो गुनाह अपराध उसने किए हैं उनसे पश्चाताप कर लेता है, तो वो आजाद है। Yes, वो आजाद है, भले ही वो जेल में है, भले ही उसे लॉक किया हुआ है, लेकिन वह उन लोगों से भी ज्यादा आजाद है जो खुले सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि उसने मसीह यीशु को ले लिया है, उसने मसीह यीशु को ले लिया है, और जब उसने मसीह यीशु को लिया है तो उसके सारे अपराध क्षमा हुए हैं और उसने अनंत जिंदगी को, यस, ये जो गिफ्ट है मसीह यीशु के थ्रू हमें मिलता, उसने उसे स्वीकार कर लिया है, अनंत जिंदगी को हासिल कर लिया है। अब मैं ये इलस्ट्रेशन या ये एग्जांपल आपको इसलिए दी है कि मसीह यीशु आपको बचा सकते हैं, भले ही आप कहीं पर भी हो और भले ही आपने कुछ भी किया हो, आपका गुनाह कितना भी भद्दा, गहरा, गंदा क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपको अनंत जिंदगी दे सकते हैं, प्रभु यीशु आपको धोकर अपने लहू से शुद्ध कर सकते हैं, आपको माफ कर सकते हैं, and you can have the gift of eternal life. आप कहेंगे कि oh well brother Yakub, आपको नहीं पता है, आप नहीं समझते हैं कि मैंने कितना गंदा, कितना बुरा गुनाह किया है। तो yes, आप बिल्कुल सही हैं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं समझता हूं कि आपने कितना बुरा और कितना भद्दा गुनाह किया है, लेकिन हाँ, मैं इस बात को जरूर जानता हूं कि आपके हर एक पाप की कीमत अदा कर दी गई है। The price has been paid for you by the blood of Jesus. मसीह यीशु ने अपना लहू देकर आपके गुनाह की सारी कीमत को, सारे बिल को अदा कर दिया है, पे कर दिया है। आपके पाप की मजदूरी मौत थी, लेकिन उस मौत को मसीह यीशु ने लिया, और वो अनुग्रह, वो ग्रेस जिसके आप या मैं हकदार नहीं थे, वो ग्रेस, वो अनुग्रह हमें दिया, और उस अनुग्रह के द्वारा उसने हमें जिंदगी दी है। इसी कारण तो यह वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जिंदगी है। यह परमेश्वर का वरदान है जो मसीह यीशु के द्वारा हमें अनंत जिंदगी देता है। फर्क है मजदूरी में और वरदान यानी गिफ्ट में। मजदूरी वो है
जिसके हम हकदार होते हैं, जिसे हम डिजर्व करते हैं, लेकिन गिफ्ट होता है जिसे हम डिजर्व नहीं करते हैं। द गिफ्ट इज गिवन टू द अनडिजर्विंग, जो इसके लायक हकदार नहीं होता है, और देने वाला अपनी खुशी से गिफ्ट देता है। ये दुनिया कहती है कि बेड तुमने तैयार किया है, अब इसके ऊपर लेटना भी तुम्हें ही पड़ेगा, लेकिन थैंक्स बी टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें दुनिया के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। वो नहीं कहते हैं कि यस बेड तुमने तैयार किया है, अब इसके ऊपर लेटना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, मैंने गुनाह के, मैंने अपराधों के, मैंने गलतियों के बहुत सारे बेड तैयार किए, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें इसके ऊपर लेटने की जरूरत नहीं है। मसीह यीशु लेटा है तुम्हारे लिए। मसीह यीशु ने वो सब किया है जिसके हकदार तुम थे, वो सब अपने ऊपर लिया है जो तुम्हारे ऊपर आना चाहिए था। अब परमेश्वर ने, अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो दिया है जिसके हकदार हम नहीं थे। यस, जिसके हकदार हम थे वो असल में प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर की सजा, परमेश्वर का क्रोध और हमारे गुनाह की मजदूरी यानी मौत। लेकिन जिस चीज के हकदार हम नहीं थे, अनंत जिंदगी, अनुग्रह, सदा का मिलाप पिता के साथ, धार्मिकता जिसके साथ हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर ने हमें वो दिया है। परमेश्वर ने हमें वो दिया, और ये सब वरदान है, ये सब तोहफा है। और मैंने कहा कि तोहफा उसे दिया जाता है जो इसका हकदार ना हो, और देने वाला अपनी खुशी से देता है। और यस, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से हमें ये अनंत जिंदगी दी है, हमें दोबारा वापस स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता खोला है। और क्या इस वरदान के लिए, क्या इस किए हुए अनुग्रह के लिए, इस की हुई खुदा की दया के लिए आप उसे धन्यवाद कहेंगे, उसके साथ वफादारी से चलेंगे? क्या आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।